वेजाइना जिसे यू नहीं कहते हैं हेल्थ के बारे में या फिर इसके क्लीननेस के बारे में कोई ज्यादा खुलपी चर्चा नहीं करता न ही इसके बारे में आपको स्कूल्स में बताया जाता है आपके घर में भी आपकी बहन या फिर आपके मदर भी आपको इन सब के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं करती वो शर्माती है लेकिन क्या ये शर्म की बात है बिल्कुल भी नहीं जैसे आपके शरीर का बहुत सारा अंग अलग सा है वैसे ही आपके वजाइना भी है उसकी भी साफ सफाई काफ़ी ज़रूरी है और जहाँ तक कि दूसरे अंगों से भी ज़्यादा ज़रूरी मेल हो या फीमेल मेरे इस वीडियो का इंटेंशन बस इतना है कि हर एक फ़ीमेल को इसके क्लीननेस के बारे में पता चले काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं लड़कियां हैं जो नहीं जानती कि, कि किस तरीके से हम विजाइनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें किस तरीके से स्मेल्स या फिर ऑर्डर्स के बारे में जाने और उसके सॉल्यूशन करें हम होम रेमेडीज का सहारा लेते हैं हम उसमें टर्मरिक और न जाने लेमन सोडा क्या क्या चीजें जो है यूज करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है आज मैं आपको वैसी चीजें बताऊंगी जिसे हर एक फीमेल्स को ध्यान में रखना चाहिए अपने वेजाइनल हेल्थ के लिए नंबर वन जो प्रॉब्लम है वो है वेजाइनल डिस्चार्ज वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है आफ्टर पीरियड वेजाइनल डिस्चार्ज होती ही है इसकी एक नियमित मात्रा है जरूरत से ज़्यादा अगर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो आप डॉक्टर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जाके उनसे चेक करवाइए उसी के साथ आपको बता दें जरूरत से ज़्यादा वेजायनल डिस्चार्ज आपकी हेल्थ की यानी कि आपकी कमजोरी की भी निशानी हो सकती है आपके बोन्स कमजोर हो रहे हैं मिनरल्स खो रहे हैं इसके बारे में वेजाइनल डिस्चार्ज एक सिम्टम्स लेके आता है तो आप प्लीज़ इसे ध्यान जरूर दें वेजायरल डिस्चार्ज से थोड़ी सी तो स्मेल आती है बट इतनी ज़्यादा नहीं जरा से ज्यादा स्मेल होने से आपको इमीडिएटली कोई भी सोप का इस्तेमाल नहीं करना है सोप या फिर कोई भी ऐसे परफ्यूम वाली चीज़ें जो आप स्मेल के लिए, के लिए के लिए यानी कि उस ऑर्डर को छुपाने करती है तो बिल्कुल ना करें क्योंकि ये आपके पी लेवल को बिगाड़ता है जिसके वजह से आपको दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है विजाइना की सफाई के लिए जो सबसे सब बेस्ट माना गया है वो है वाटर वाटर जो बिल्कुल ही क्लीन हो और आप चाहे तो हल्के गर्म पानी से आप एक रुमाल लेकर या फिर वाटर को लेकर आप इसे वॉश कर सकते हैं विजाइनल एरिया हमेशा ही गीली ही रहती है और इसके वेट होने के कारण से ही इसमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है इसलिए आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जैसे कि पाउडर पाउडर आप लगाते हैं कि विजाइना ड्राई हो जाए बट ऐसा नहीं है वो नेचुरल है आपकी वेजाइना जितनी वेट होनी चाहिए वो नेचुरली उतनी नहीं रहेगी तो फिर भी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है इसलिए आप पाउडर का यूज़ ना करें आप कोई भी ऐसे पाउडर का यूज़ ना करें जो इसमें स्मेल ज़्यादा है या फिर जो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड ना हो अगर आप पाउडर का यूज़ करते हैं तो आपको सर्वाइकल कैंसर होने का भी खतरा है आफ्टर इंटीमेशन या फिर यूरिन पास करने के बाद आपको वाटर से वॉश जरूर करना है पैंटी कॉटन की ही यूज करें कोई भी ऐसी पैंटी यूज ना करें जो इरिटेशन या फिर आपको टाइटनेस दे टाइटनेस वाली चीजें जितनी भी होती है उसे बिल्कुल ना पहने रात को सोते समय आप कपड़े को काफी लूज ही पहने ताकि आपके विजाइना में जो एयर है वो अच्छे से पास हो सके और वो एरिया ज्यादा भीगा हुआ या फिर पसीने से भीगा हुआ ना रहे हेयर रिमूवल क्रीम जो फिर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है बिल्कुल उनका यूज़ ना करें अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम्स का यूज़ करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी और समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि वजाइना का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना उसमें इरिटेशन होना गंदी स्मेल आना और स्किन in इन्फेक्शन होना डोंट यूज़ हेयर रिमूवल क्रीम्स हेयर रिमूव करने के लिए आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं वो भी काफ़ी सेफ्टी से क्योंकि अगर आप सेफ्टी का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कटने का भी खतरा होता है तो आप इरेज़र का इस्तेमाल बहुत केयरफुल कीजिए पीरियड के समय स्पेशली आपको ध्यान रखनी है अपनी हाइजीन के तीन से चार घंटे के अंदर पैड्स को ज़रूर चेंज करें और अच्छी क्वालिटी का पैड यूज़ करें आप क्लॉथ यूज़ ना करें क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी प्लीज़ शेयर ज़रूर करना ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इनकी काफ़ी ज़रूरत है थैंक यू सो मच